हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री गणेश। महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र में अरब सागर के तट पर रायगढ़ नामक जिला है। इस जिले में अनेक छोटे बड़े पर्वतों की एक श्रृंखला है जिसे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। रायगढ़ जिला, जिसका प्राचीन नाम कोलाबा था, अपने ऐतिहासिक स्मारकों, सुंदर समुद्री तटों तथा मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों के लिए जाना जाता है। इस जिले में अनेक पर्यटन स्थल और प्राचीन मंदिर हैं। इन्हीं मंदिरों में से आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं श्री बल्लालेश्वर विनायक मंदिर के, जो भगवान श्री गणेश को समर्पित मंदिर है। यह जगह भारतवर्ष में महाराष्ट्र स्थित सुधागढ़ तालुके में पाली नाम के ग्राम में यह मंदिर है। यह मंदिर जो सामने देख रहे हैं वो लगभग 300 साल पहले चिमाजाप्पा पेशवा ने जीर्णोद्धारित किया है। यह मंदिर श्रीकारी धाटने का हेमाडपंथी स्थापत्य शैली से बना हुआ मंदिर है। अष्ट विनायक तीर्थ के तीसरे पड़ाव के रूप में माना जाने वाला सुप्रसिद्ध बल्लालेश्वर विनायक मंदिर रायगढ़ जिले के पाली गांव में स्थित है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां श्री गणेश देवताओं वाले वस्त्र, गहने और मुकुट धारण करके नहीं, बल्कि एक ब्राह्मण के समान धोती कुर्ते वाले परिधान को धारण करके विराजित हैं। मान्यता है कि इस स्थान पर गणपति बप्पा ने अपने एक भक्त बल्लाल को ऐसे ही साधारण वस्त्रों में दर्शन दिए थे। इसी भक्त बल्लाल के नाम पर इस मंदिर का नाम बल्लालेश्वर विनायक मंदिर रखा गया है। संभवतः ये भगवान का एक लौता मंदिर होगा जो भक्त के नाम पर रखा गया है। बल्लालेश्वर विनायक मंदिर तथा भक्त बल्लाल से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में सेठ कल्याण और उनकी धर्मपत्नी इंदुमती पाली गांव के निवासी थे। भक्त बल्लाल उनका ही एक लौता पुत्र था और गणेश भगवान का भक्त था। सेठ कल्याण अपने पुत्र बल्लाल से नाराज रहते थे क्योंकि उसका मन पैतृक व्यवसाय के कार्यों में तनिक भी नहीं लगता था। वो दिन और रात गणपति जी की भक्ति में डूबा रहता था। उसने अपनी गणेश भक्ति का रंग अपने मित्रों पर भी चढ़ा दिया था, जिसके कारण वे सभी दुनियादारी के काम से ज्यादा गणेश भक्ति में रम गए थे। इसलिए बल्लाल के दोस्तों के माता पिता ने सेठ कल्याण से बल्लाल की शिकायत की। उनकी शिकायत सुनकर सेठ कल्याण क्रोध में आकर अपने पुत्र बल्लाल को खोजने निकल पड़े। जल्दी ही बल्लाल उन्हें पास के जंगल में गणेश जी की पूजा करता हुआ मिल गया। क्रोधित सेठ ने वहीं बल्लाल की पिटाई कर दी और गणेश जी की प्रतिमा को खंडित करके फेंक दिया। इसके बाद बल्लाल को सबक सिखाने के लिए सेठ ने वहीं उसे भूखा प्यासा एक वृक्ष से बांध दिया और घर चले आए। अपने प्रिय भक्त की ये दशा देखकर गणपति बप्पा उसके सामने ब्राह्मण के वेश में प्रकट हो गए और उसे बंधन से मुक्त करके वरदान मांगने के लिए बोले। सरल हृदय बल्लाल ने गणेश जी से स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा, उसने केवल इतना मांगा कि आप सदैव के लिए पाली में ही विराजमान हो जाइए। तब श्री गणेश अपने भक्त से प्रसन्न होकर उसकी इच्छा पूर्ति करते हुए एक पाषाण की प्रतिमा के रूप में यहीं पर स्थापित हो गए। तब से लेकर आज तक इस स्थान पर बल्लालेश्वर विनायक की पूजा आराधना की जाती है तथा बल्लाल के पिता ने क्रोध में जिस प्रतिमा को फेंक दिया था वो बल्लालेश्वर विनायक मंदिर के पीछे ढूंढी विनायक मंदिर में ढूंढी विनायक के नाम से स्थापित है। भक्त बल्लालेश्वर के दर्शन करने से पहले ढूंढी विनायक के दर्शन करते हैं। इस कथा के अतिरिक्त इस स्थान से संबंधित ये मान्यता भी है कि सीता हरण के समय रावण और जटायु में यहीं पर युद्ध हुआ था। ये भी कहा जाता है कि आदिशक्ति माँ जगदम्बा ने भगवान श्री रामचंद्र जी को इसी स्थान पर दर्शन दिए थे। मंदिर के गर्भगृह में बल्लालेश्वर विनायक मंदिर में भगवान गणपति 3 फीट ऊंची प्रतिमा के रूप में पत्थर के एक सिंहासन पर विराजमान है। स्थानीय लोगों और पुजारी के अनुसार ये प्रतिमा स्वयंभू है। साधारण ब्राह्मण की वेशभूषा धारण किए हुए विनायक की इस प्रतिमा की दोनों आंखों तथा नाभि में हीरे जड़े हुए हैं। पूर्व मुखी इस प्रतिमा की सूंड बाईं तरफ मुड़ी हुई है। श्री गणेश की प्रतिमा के दोनों ओर उनकी धर्मपत्नियां
रिद्धि तथा सिद्धि स्थित हैं और चंवर लहराकर गणेश जी की सेवा कर रही हैं। गर्भगृह के बाहर बने मंडप में श्री गणेश जी के वाहन मूषक जी अपने पंजों में मोदक को दबाए हुए प्रतिमा के रूप में विराजमान है। कहते हैं कि प्राचीन बल्लालेश्वर मंदिर लकड़ी का बना हुआ था, किंतु बाद में इसके पुनर्निर्माण में पत्थर का उपयोग किया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार यदि ऊंचाई से इस मंदिर को देखा जाए तो ये देवनागरी में लिखे हुए श्री शब्द की भांति दिखाई देता है। बल्लालेश्वर मंदिर के निकट दो सरोवर स्थित हैं, जिनमें से एक का जल भगवान गणेश को चढ़ाया जाता है। श्री बल्लालेश्वर गणेश मंदिर में मुख्य रूप से भाद्रपद और माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पंचमी के मध्य में गणेशोत्सव मनाए जाते हैं। इस अवसर पर भक्तगणों के लिए यहाँ महापूजा और महाभोग का आयोजन मंदिर समिति की ओर से किया जाता है। पाली के रहवासियों के साथ साथ देश विदेश से आए हुए गणेश भक्त एवं श्रद्धालु गणपति बप्पा की इस सवारी में धूमधाम से हिस्सा लेते हैं। बल्लालेश्वर गणेश मंदिर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है, जहां सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के दृश्य पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि आप भी इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं तो सह्याद्री के अनेक गगनचुंबी सुरम्य पर्वत आपके लिए बाहें पसारे खड़े हैं। आप यहां लोनावला और माथेरान जैसे हिल स्टेशनों का आनंद भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप पर्वतारोहण के शौकीन हैं तो यहां अनेक पर्वत आपको चुनौती देते मिलेंगे। आप बल्लालेश्वर मंदिर वायु मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग, इनमें से किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग से बल्लालेश्वर गणेश मंदिर पहुंचने के लिए आपको मुंबई, अहमदनगर या पुणे के रेलवे स्टेशन तक आना होगा। इनमें से किसी भी स्टेशनों से कर्जत तक आने के बाद आप वहां से बस द्वारा पाली पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त सड़क मार्ग से मुंबई से पाली लगभग 124 किलोमीटर है तथा पुणे से इसकी दूरी 111 किलोमीटर है। अतः आप सरकारी अथवा निजी वाहन का प्रयोग करके भी इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और यदि आप हवाई मार्ग द्वारा रायगढ़ महाराष्ट्र आना चाहते हैं तो यहाँ के सबसे निकटतम हवाई अड्डे मुंबई और पुणे के हैं, जो देश के हर मुख्य शहर से हवाई मार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं। हवाई अड्डे से आप मंदिर के लिए बस या टैक्सी ले सकते हैं। इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। भगवान बल्लालेश्वर गणेश आपको तथा आपके परिवार को स्वस्थ, सुखी और प्रसन्न रखें। शीघ्र ही आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। जय गजानन। इति शुभम।